ये आठ बातें भगवत भक्त अपने जीवन में जांच ले कि है कि नहीं है, अगर ना हो तो धारण कर ले। पहला है संत महापुरुष आपके जीवन में है कि नहीं, ये जांच करनी है। देखा है हमने, अगर किसी संत को आदर्श मानकर आप नहीं चल रहे हो तो दिमाग को खसकते हुए देखा, खसक गया है दिमाग। वो मनमानी आचरण केवल सिद्ध बनने के लिए कर रहे हैं। उनके आचरण ऐसे कि भोले भाले लोग ये समझे कि ये तो सिद्ध है। और जानते हो सिद्ध किसे कहते हैं? ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति समा सर्वेश भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंदरी विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा। ये स्थिति आनी चाहिए। पूरा कोरा जैसे नाटक मंच पर नाटक किया जाता है ना, पूरा दिखाई देता है, पूरा नाटक। क्यों? क्योंकि कोई डांटने वाला नहीं है, कोई आदर्श नहीं है महापुरुष जीवन में। जो मन महावे सो बोलो, जो मन आवे सो नाटक करो, तो 100, 200, 500 लोग भोले भाले जिनको ककहरा नहीं आता परमार्थ का, वो कह देते मेरे भगवान, मेरे सिद्ध योगी, मेरे महापुरुष, मिटिया मेट कर देते हैं। बात तो तब समझ में आवे जब रसिक जन पास करे, गुरुजन पास कर दे। अपने मन से कुछ नहीं होता, जिसे महापुरुष पास कर दे वही होता है। संत महापुरुष कह ठीक चल रहे हो, ठीक है, या वो मौन स्वीकृति दे दे, ठीक है। अपने मन से सिद्ध बनने पर सिद्ध थोड़ी कोई हो जाता है। जीवन में तुम्हारे संत हैं कि नहीं, बस इतनी बात देखो। प्रगट में जिनके जीवन में संत हैं और वो स्वीकार करते हैं उनका अनुशासन, उन्हीं का जीवन प्रकाशित होता है, पक्का समझ लेना। दूसरा, भागवतिक मार्ग में चलने वाले उपासक को सांसारिक पुरुषों की मित्रता करके उनकी संगोष्ठी में नहीं बैठना चाहिए। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो। सांसारिक पुरुषों की जो वृत्तियां होती हैं उनमें बड़ा आकर्षण होता है भोगों का, प्रपंच का। जो साधक भ्रमणशील हैं अगर वो गृहस्थों के यहां जाकर उनकी सैयाओं पर सोते हैं तो उनकी दुर्दशा क्या होती है चित्त की, वो खुद अनुभव करके देख ले। आज तो शास्त्रीय पद्धति को समझा ही नहीं जा रहा। जब बड़े बड़े सुभट गंगा किनारे त्याग वैराग्य ज्ञान के मिले ना, तो आगे का रास्ता खुलता चला गया। सांसारिक पुरुषों के समुदाय में बैठना था, वो तुम्हें भगवान कहेंगे, ईश्वर कहेंगे, अवतार कहेंगे, उनको कुछ ज्ञान नहीं। आप मान बैठेंगे अपने को भगवान, अपने को ईश्वर, अपने को अवतार मान गए, तो आप जो अवतार है ना, ईश्वर है ना, भगवान है, उनसे विमुख हो जाएंगे। यहां जो भी अवतरित हुए हैं भगवत पार्षद, वो सदैव दैन्य ही रहे हैं। आप देख लीजिए उच्च कोटि के महापुरुष, चाहे जितनी ऊंचाई पर चढ़े हो, सदैव भगवान की ही स्थापना की है, भगवान के नाम की, रूप की, लीला की, धाम की, भगवत महिमा की स्थापना की है। अपनी नहीं, अपने पार्थिव शरीर की नहीं। ध्यान रखना, जितने महापुरुष प्रकट हुए भगवान की स्थापना की। अगर हम संसारिक पुरुषों का संग करेंगे तो कई तरह से हानि हो जाएगी। सत्संग हो रहा है बस इतने जो चाहो बैठ जाओ। हमारा पर्सनल एकांतिक केवल गुरुदेव से संबंध है और उनके द्वारा बताई हुई उपासना में हमारा समय व्यतीत होना चाहिए। कोई हमारा मित्र नहीं होना चाहिए, अलग से संगोष्ठी नहीं होनी चाहिए विषयी पुरुष की, सांसारिक पुरुष की। तीसरा, किसी भी अपनी निंदा करने वाले के प्रति कभी भी बुरा व्यवहार बर्ताव नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि भगवान प्रेरित करते हैं निंदा करा करके महान बनाने के लिए। ये शब्द याद कर लो। जब तुम्हें
तुम्हारी निंदा होने लगे, प्रतिकूलता होने लगे, विपत्ति आने लगे, संकट सताने लगे, तो जान लेना कि तुम्हारी अध्यात्म की भूमिका उठने वाली है पक्का। ये अध्यात्म की भूमिका उठना बहुत कठिन होता है, अध्यात्म का प्रवचन कर लेना बहुत सरल होता है, नहीं? हाँ, चमड़ी को चिकनी करके और अध्यात्म का प्रवचन करने में कोई कठिनता नहीं, लेकिन चमड़ी और दमड़ी का राग मिटा दे फिर अध्यात्म की तरफ चले, ये किसी फक्कड़ महात्मा का कृपा पात्र ही होगा, जो फकीर होगा, जिसने विश्व की समस्त भोग वासनाओं को रौंद करके अपने स्वरूप में स्थित हो गया। ऐसे महात्मा के संग के बिना अध्यात्म का रंग नहीं चढ़ सकता, और देखने को मिल रहा है। जब तक हमें अध्यात्म का परिचय नहीं है तब तक कहीं भी हम राजी हो जाते हैं। अरे राजी होने को तो टाकीज के सामने देखो जाके, हजारों की भीड़ लगती, लाइन में खड़े होते हैं, पैसा देते हैं और क्या देखने जाते हैं, झूठा तमाशा। उनको आप क्या कहोगे, ज्ञानी कहोगे, सत्संगी कहोगे? भीड़ का इकट्ठा हो जाना कोई अध्यात्म का चमत्कार नहीं होता, तो अध्यात्म का चमत्कार तो अंतर की वृत्ति का परिवर्तन हो जाना होता है। नहीं तो अगर एक नृत्य करने लगे ना तो हजारों उसको देखने खड़े हो जाते हैं, फिर 14 संगीत बज रहे हैं, फिर इसके बाद अगर हजारों ये बैठे मनोरंजन कर रहे हैं तो इनका कोई महत्व तो नहीं। अगर एक महात्मा कह देता है कि तुम वास्तविक भगवत मार्ग के पथिक हो तो धन्य हो गया जीवन, और 1 करोड़ लोग कह दें कि परमार्थ का पथिक है तो मान्यता नहीं मानी जाएगी। ये अध्यात्म है, अध्यात्म। इसीलिए कह रहे हैं कि सांसारिक पुरुषों की संगोष्ठी में रति न करे। तीसरी, अपनी जब कोई निंदा करे तो उसका भला जरूर मना देना, बुरा मत मना देना, नहीं तो अध्यात्म छूट जाएगा। अपने पास सामर्थ्य होने पर नीचापमानम सुधा, वो नीच है हम उस पर शासन कर सकते हैं, पर उसके द्वारा किए हुए अपमान को सह गए और अंदर से मनाया भगवान तुम्हें सुखी रखे, स्वस्थ रहो, और कभी भी हम आपका विरोध नहीं करेंगे, जब अवसर मिले तब फिर हमारी निंदा करना, भगवान तुम्हें स्वस्थ रखे, तुम्हारा कभी अमंगल ना हो, ध्यान रखना अध्यात्म। चौथा, अपने मुख से कभी किसी की निंदा ना करना। निंदा व्यक्तिगत नाम लेकर के की जाती है, सिद्धांत सार्वभौम वर्णन होता है। जैसे आम कह रहे वो निंदा सिद्धांत के विपरीत आचरण में जो चलते हैं उनकी है, कौन है नाम नहीं है, रूप नहीं है। सिद्धांत में चलना एक ये मार्ग, सिद्धांत से बिलक चलना ये पाखंड है। पाखंड और दंभ की निंदा होती, और सत्य की कोई निंदा करे तो वो प्रकाशित होता है। सत्य निंदा से ढकता नहीं, जैसे कोहरा थोड़ी देर के लिए सूर्य को ढकने का नाटक कर सकता है, लेकिन सूर्य जब प्रकाशित होगा तो कोहरे की धज्जियां उड़ जाएंगी। पांचवा, मान लेने की इच्छा का त्याग करके अपने समीप जो भी आवे छोटा बड़ा सबको प्यार और मान देना। ये 8 अच्छे उपासक में सब लक्षण पाए जाते हैं। दूसरों को मान देने का स्वभाव रखना, चाहे छोटा बच्चा ही क्यों न हो। ये नहीं ये धनी मानी बड़ा आकर के धन राशि दे रहा है तो उसका सम्मान हो रहा है और छोटा प्रणाम कर रहा है, उसकी तरफ देखा भी नहीं जा रहा। नहीं, बच्चे से लेकर कोई भी, सबको एक ही प्यार की दृष्टि से देखना, भगवत भाव से देखना। अपने को मान रही तो और दूसरों को मान देने का स्वभाव बना देना। छठवां, अपनी इंद्रियों को सदाचार परायण रखना। इंद्रियां इस सदैव व्यभिचार की तरफ भागती हैं। नेत्र व्यभिचार दोष, बार बार दूसरों के प्रति देखना आकर्षणकारी, कैसा भी दोष अंदर का भाव हो, नेत्र दोष, दूसरों की बातें सुनना श्रवणेन्द्रीय दोष, वाणी से दूसरों की चर्चा करना वाणी, ऐसे हर इंद्रिय अपने व्यभिचार में जाना चाहती है। सदाचार परायण उपासक होता है। कल की बात है, कल चिंतन हो रहा था श्रीमद् भगवद गीता जी का,
अगर उपासक में सदाचार इंद्रियों की पवित्रता नहीं है तो ढकोसला के सिवा कुछ नहीं रहेगा। ये अच्छे से समझ लो, इंद्रियों का विलास चल रहा, खुला दिखाई देता है, खुला एक दृष्टि होती है उसमें दिखाई देता है, अंतर में ब्रह्म बैठा हुआ शांत मौन है और ये समझ नहीं पा रहा, केवल नाटक पे लगा हुआ है। अपना मन अपनी इंद्रियां यदि संयम में नहीं है, सदाचार में नहीं है, तो ढकोसला ही है, आडंबर ही है, नाटक ही है, पक्का समझ लीजिए। अगर वो संयम ही नहीं है, जितेंद्री नहीं है, मनोनिग्रह नहीं, तो अध्यात्म क्या है? क्या प्रवचन हो रहा है? किस बात का प्रवचन हो रहा है? जो अनुभव हुआ उसका हो रहा है, शास्त्र सम्मत हो रहा है, जितेंद्रियता नहीं, इंद्री निग्रह नहीं, मनोनिग्रह नहीं। छठवां सदाचार परायण, अर्थात इंद्री और मन शास्त्राज्ञा के अनुसार चले। जिसका इंद्री मनोनिग्रह युक्त समय व्यतीत होता है भगवत चिंतन में, वो महापुरुष है, अभी वर्तमान में ही है, चिंता मत करो, स्थिति जागृत होने में देर नहीं। बंद रखो अपनी खिड़कियों को, कहीं माया की हवा ना घुस जाए। सच्ची सच्ची तुम में बहुत सामर्थ्य है, जागो। अगर झुक गए तो रौंद दिए जाओगे। एक एक बात अच्छे से समझ लो, मुस्कुरा के, प्रेम व्यवहार दिखा के, अपनापन करके, फिर तुमको अधीन किया जाएगा। माया भगवती बहुत बलवती है, ऐसे करके फिर ऐसे प्रहार करती है, क्योंकि साधक बहुत प्रवीण है, ऐसे में अपने को बचा लेगा, लेकिन ऐसे में बचाना बहुत कठिन होता है। हमारी बात को समझ लेना, ऐसे में बचाना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। समर्पण का मिश, सेवा का मिश, अपनापन का मिश, हमारी इंद्री, हमारा मन बहुत धोखेबाज है, हमें कोई धोखा नहीं दे सकता। ये हमारा मन, हमारी इंद्रियां हमको धोखा देती है। साधु साधक परमार्थ पथिक भक्त इस बात से परम सावधान। सदाचार और सरलता संयम के साथ हमारा समय व्यतीत होना चाहिए। किसी के गवाही की जरूरत नहीं है, किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं। आप खुद अपने हृदय की भूमिका को नाप लीजिएगा, कितनी ऊंचाई पर चढ़ रहे हो, आपको खुद अनुभव में समझ में आ जाएगा। जो इंद्रियों का गुलाम मन के द्वारा भ्रष्ट आचरण करने वाला है, वो कुछ भी हो, कोई भी हो, कहीं भी हो, दुर्गति शब्द से ही संबंध है, जीते जी दुर्गति, फिर फांसी ऐसी लगे तेषम दुख ना हो। सच्ची मानना, जब गलत हो जाता है आचरण, तो अपना मन अपने को कहता है नष्ट कर दो, ये जीवन किस काम का। होश में हमारे शब्दों को ध्यान से सुनना, जब इतना गलत हो जाता है तो अपना चेहरा अपने को पसंद नहीं आता, और अपना जीवन अपने को पसंद नहीं आता, और अपने अंदर से मन कहने लगता है नष्ट कर दो इस शरीर को। फिर वो जो आगे की लीलाएं होती है, अच्छा ऐसा हुआ, फांसी लगा ली, जहर खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो इन्हीं इंद्रिय और मन की फिसलन को नहीं सह पाया। अच्छा, किसी महापुरुष का शासन नहीं था, नहीं उस चूक में भी बचत हो जाती है। एक बहुत बड़े महापुरुष के समीप रहने वाले से चूक हो गई, तो उन्होंने अपने आसन के पास आसन लगवाया। सब साधकों ने कहा कि बहुत बदनामी होगी, क्योंकि आपका नाम आगे है और वो आपके आश्रित है, ऐसा है किसी महापुरुष के। उनका तुम क्या समझते हो, बाया है, चूक हो गई, अब इसको कभी चूक नहीं होगी ऐसा बना देंगे, कभी त्रुटि नहीं होगी इसको ऐसा बना देंगे। और वो फिर ब्रह्मावर्त बिठूर में रहे, और बहुत अच्छे महात्मा हैं, अब भी हैं। अगर संत का शासन है और आपसे चूक भी हो जाती है, तो ऐसा बना देंगे कि दोबारा चूक नहीं होगी। पर इंद्रिय और मन को छूट देकर मनमानी आचरण करने वाला कभी साधक नहीं हो सकता, पक्का। और आप सच्ची मानना, आपकी एक बार इंद्रिय मन छूट हो गई तो जिंदगी भर दबे रहोगे, दहाड़ने लायक नहीं रहोगे, माया तुम्हारे को सदैव कोसती रहेगी, तुम्हारा हृदय जलता रहेगा, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया,
जब ऊंचाई की तरफ सोचोगे तो सामने वो अगर प्रायश्चित करके मिटा दिया है तो बात है, नहीं तो वो कर्म सामने आ जाएगा, लगेगा नहीं हम इसी ऊंचाई लायक नहीं है, नहीं हम इस ऊंचाई लायक। आपसे प्रार्थना कर रहे अगर चूक हो गई हो तो उसको मिटा दो, नहीं आगे बढ़ने में बाधा पहुंचा देगा। अपने गुरुजनों से सलाह करके उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। अगर गुरुजन कर दे जाओ कुछ नहीं तो कुछ नहीं, खत्म खेल, वो निपटा देंगे, वो करुणामय है, उनमें बड़ी सामर्थ है। पर छठवां सूत्र, सदाचार संयम जितेंद्रियता मनोनिग्रह साधक में होना ही चाहिए। जो साधक एकांत में मनोरंजन करके अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, अच्छा होता गृहस्थ धर्म में रहते, बाल बच्चे पैदा करके मेहनत करके धर्म पूर्वक कमाते और समाज की सेवा करते। यदि अखंड ब्रह्मचारी वैराग्य मार्ग के पथिक हो तो चूक ना होने पावे प्रार्थना करते हैं। इंद्रियों को शिथिल ना होने देना, मन को शिथिल मत होने देना, नहीं तो ऐसा बंधन ये बांध देते हैं कि बड़े बड़ों को सर झुकाकर चलना पड़ता है, रौंद देती है माया। ध्यान रखना, सर उठाने लायक नहीं रह जाता। अगर इंद्री जन्य भोगों का आकर्षण नष्ट कर दे तो अपना मन अपने को जलाता रहता, धिक्कार देता रहता, कैसे हो गया ऐसे, तो कैसे हो गया। कीन हो इसका वह अभिमाना, सुखो वंचा कृपा निधाना। कहीं अभिमान हो गया कि मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं जितेंद्री हूं, मैं मनोनिग्रही हूं, तो ठाकुर जी ने दाना फेंक दिया, देख भला मनोनिग्रही है तो मत चुन। लेकिन कृपा पात्र साधक पुनः अपने आप को सावधान करके सदाचार में ही स्थित रहे। आज सदाचार को समझा ही नहीं जा रहा कि सदाचार है क्या। सातवां, किसी भी पद को साधक कभी स्वीकार न करे। समाज में बड़े पद मिलते हैं, यहां भगवत प्राप्ति की वार्ता हो रही, किसी भी पद किसी भी सम्मान को स्वीकार न करें। ये सब उपाधियां हैं, अगर उपाधियां स्वीकार की तो उपद्रव शुरू हो जाएंगे। कोई उपाधि स्वीकार न करो तो इतने महान बन जाओगे कि पूरे विश्व में तुम ही होगे, ये भी बात याद कर लो। कोई भी छोटी मोटी उपाधि स्वीकार की तो उस महान को नहीं प्राप्त कर पाओगे। विश्व में तुम ही होगे, या तो ज्ञान में तो एक तुमसे बड़ा कोई है नहीं, अगर भक्ति में तो तुमसे छोटा कोई नहीं, तो विश्व में तुम ही तो हुई है ना। सब बड़े और आप छोटे, विश्व में आप त्रणादपि सुनिचेन, और ज्ञान तो हम ब्रह्मास्मि, सबको समेट लिया अपने में, एक के सिवा दूसरा कोई नहीं। यह है उपाधि रहित महापुरुष की स्थिति। कोई उपाधि स्वीकार न, अनंत ब्रह्मांडों का महारत्न इंद्र नीलमणि, जहां जहां भक्त मेरा चरण रखे वहां वहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाणूं साथ। इससे बड़ा कोई पद होगा। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूये यत्यंगुरेणु भी। जिसकी चरण रज लेने के लिए परब्रह्म परमात्मा पीछे डोलता है वो है ये पद। जब कोई पद नहीं स्वीकार करता तो ये पद प्राप्त होता है। इसलिए सातवां, किसी भी उपाधि को पद को साधक कभी स्वीकार न करे। आप यहां के अमुक बन करके अमुक नहीं, सेवाएं सब हैं पर सेवक हूं कोई पद नहीं। देख लो बड़े बड़े महापुरुषों को, पूज्यपाद उड़िया बाबा जी ने जब देखा तो दंड का विसर्जन कर दिया कि पद की तरफ ये घसीट रहा है। गंगा जी में महाप्रभु चैतन्य देव ने, गंगा जी में जो हमारे परम पद के बीच में आएगा वो सबका प्रवाहित कर देना ही उचित है। बहुत संभलना, पूरे जीवन भर याद रखना यह अध्यात्म है अध्यात्म। कभी कोई भी उपाधि स्वीकार ना करे। वो बहुत जल्दी उपाधियां सामने लिख दी जाती है तभी कोई वो स्थिति ही नहीं आती। उपाधि हमारे ब्रजमंडल में एक से एक महापुरुष हुए हैं, बाबा प्राणधन रहे हैं, कितने संत महापुरुष, और उनको यहां प्यार से ब्रजवासी जन मेरो बाबा प्रिया प्रीतम के लाडले। कोई उपाधि नहीं, कोई पदवी नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं। और आठवां ये आखिरी,
किसी भी परिस्थिति में अपने आराध्य देव का चिंतन ना छूटने पावे, पूर्णता। ये तभी हो सकता है जिसके जीवन में ये तीन बातें हैं। आखिरी वाली बात, किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य का चिंतन न छूटने पावे, ये तीन बातें जिसके जीवन में है तो ये आखिरी बात पूर्ण होगी। आखिरी और पहली दो बहुत जोर की बात थी। पहली थी किसी संत महापुरुष का शासन, और पूर्णता आई किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य का चिंतन न छूटना। बीच में अपने आप सब आ जाएगा। तीन बातें, पहली व्यवहार शुद्धि, दूसरी नियम निष्ठा, और तीसरी प्रतिज्ञा पालन। तुम चाहे जिस संप्रदाय के हो, जिस वर्ण के हो, चाहे जिस आश्रम के हो, और चाहे जो हो, यदि तुम परमार्थ के पथिक हो, ये तीन बातें नहीं है तो तुम्हारा पतन हो चुका है। पतन हो जाएगा नहीं, नाप लो, तुम्हारा पतन हो चुका है। पहला, व्यवहार शुद्धि। आपका जीवन किस मार्ग का पथिक है? बोले गृहस्थ। आप अपनी मर्यादा में, आपकी जो मर्यादा है प्रवृत्ति मार्ग की, उसी के अनुसार एक सीमा में रहकर आपका इंद्रियजन्य व्यवहार। दूसरा, आप कौन? विरक्त मार्ग के पथिक। अब विरक्त मार्ग के पथिक के बहुत से रास्ते हैं, संन्यास, योग मार्ग, अमुक 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 अमुक, लेकिन हर निवृत्ति मार्ग का एक ही उपदेश है, उसका व्यवहार शुद्ध होना, इंद्रिय संयम मनोनिग्रह। अगर वैरागी होकर इंद्रिय संयम नहीं है, मनोनिग्रह नहीं, तो उसका व्यवहार अशुद्ध है। इसी में सब आ जाएगा, सब कुछ, सारा व्यवहार आ जाएगा। गृहस्थ होकर यदि उस सीमा के अंतर्गत नहीं, बाहर भ्रष्ट है, तो साधक ही नहीं। विरक्त होकर यदि उसका व्यवहार शुद्ध नहीं, देखो चूक हो जाना अलग बात होती, हो गई गलती, सुधार कर लो, पूरे जीवन में पुनरावृत्ति ना हो। हमारी आखिरी श्वास तक भगवत प्राप्ति का रास्ता शास्त्र देता है। अगर आपसे चूक हो गई, अभी तक समय बर्बाद हो गया, अब सुधार लो, अब बना लो, बहुत बड़ी फिसलन माया की है। अगर आपको समझ में आ गया कि अब हमें सुधरना चाहिए, आज से सुधर जाओ, आज से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, बड़ा अनुभव हो जाएगा आपको कि पीछे मैं ऐसा, अब आगे चल करके ऐसा भगवत कृपा से हो गया। व्यवहार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि, एकांत शुद्ध, एकांत बहुत पवित्र होना चाहिए। व्यवहार प्रगट में जब समाज में हो गए तो है ही, ये बात बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं कि परमार्थ का पथिक बाहरी व्यवहार की शुद्धि तो दिखा देता है, लेकिन आंतरिक बहुत अशुद्ध आचरण होते हैं, इसीलिए अध्यात्म की उन्नति नहीं होती। आपका शरीर पवित्र, आपके विचार पवित्र, आपका मन पवित्र, तब आप परम पवित्र भगवान से अपनापन कर पाएंगे, ध्यान रखना। आपका शरीर अपवित्र, आपके विचार अपवित्र, आपका मन अपवित्र, आप ऐसे ही भगवत प्राप्ति कर लेंगे। जहां मनाया वहां खा लिया, जो मनाया वो देख लिया, जो मनाया वो छू ले, ऐसे भगवत प्राप्ति हो पाएगी। ये जो हमारा मन भजन में ले, होटलों में खाओगे भजन में मन लगेगा, अशुद्ध आहार करोगे, मनमानी व्यविचार प्रवृत्तियों का दर्शन, संभाषण और क्रिया करोगे, और तुम्हारा मन सच्चिदानंद प्रभु में लग जाएगा। तमाशा समझा है? तमाशा समझ लिया? अध्यात्म में मन को लगाना, आहार शुद्ध नहीं, विचार शुद्ध नहीं, आचरण शुद्ध नहीं, चार लोग बैठे हैं उसी में अपनी इंद्रियों को बार बार तुम आकर्षण, शरीर आकर्षण की तरफ ले जा रहे, दिखाई नहीं दे रहा? क्या स्थिति तुम्हारी? बात करेंगे, ब्रह्म ज्ञान के नीचे बात ही नहीं। अरे कुछ नहीं है, संयम से चलो, सदाचार से चलो, पवित्रता से चलो, तो कोई संशय ही नहीं रह जाएगा। पर संयम, सदाचार, पवित्रता, ये सब केवल ग्रंथों में लिख रहे हैं, पर अपने तो सौभाग्यशाली है ना, चल सकते हैं। अपने को अवसर मिला है, जो नहीं चल पा रहे हैं वो कम से कम सुन तो रहे हैं, चलने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग तो चलने की तैयारी नहीं, चल चुके हैं। आप अपने को बचा लीजिए, आप अपने को संभाल लीजिए। पूज्य बाबा कह रहे हैं, व्यवहार शुद्धि, नियम निष्ठा, प्रतिज्ञा पालन नहीं,
तो वो पतित हो चुका है, पतित हो जाएगा नहीं, पतित हो चुका है। दूसरा है नियम निष्ठा, जो तुम्हें गुरु ने दी है या स्वयं धारण की है, दोनों बातें होती। जप कितना, कौन कौन सी दिनचर्या के नियम, कितना पाठ, क्या सेवा, इनका नियम होता है। हमारा नियम है इतने बजे उठ जाना, हमारा नियम है ये पाठ करना, हमारा नियम है ये करना। उन नियमों को कोई देखे ना देखे हमें प्राणपन से पालन करना है अपनी दिनचर्या में। दिनचर्या में इतना पावर है कि जहर भी समन हो जाएगा। मीरा जी का समन हो गया ना, तो आप कहोगे वो तो मीरा जी थी, तो मीरा जी में क्या था? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, लाओ तुम भी मीरा जी बन जाओगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तो जहर जिससे प्रकट हुआ है, जहर भी तो उसी से प्रकट हुआ है ना, परमात्मा तत्व से ही, तो औषधि भी उसी से है। धन्वंतरी जी ने शोध करके कहा अच्युत गोविंद हरि, इन नामों को जो निरंतर जपता है कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, विरोधी भाव कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, समस्त औषधियों की परम औषधि भगवान नाम। मीरा जी की जिभ्या पे नाम, हृदय पे नाम, प्रहलाद जी की जिभ्या पे नाम, हृदय पे नाम, का बड़े बड़े सर्पों से डसवाया, विष पिलवाया प्रहलाद जी को, क्या ए, तुम इसी महामहिम मार्ग के पथिक बने हो जिसमें प्रहलाद जी चले, जिसमें देवर्षि नारद जी हैं, जिसमें बड़े बड़े महापुरुष हैं, उसी मार्ग के पथिक हो। हम में कमी ये हो गई कि हम वैसे नहीं चल रहे जैसे चलना चाहिए। नियम पर बहुत ध्यान दीजिए। अगर नियम है 1:45 बजे उठने का, स्नान का, तो 1:45 बजे ही उठना चाहिए, 2 नहीं बजना चाहिए। ये नियम में बहुत बड़ी ताकत होती कि आपके नेत्र फट से खुलेंगे घड़ी में तो 1:45 ही होगा। अपने तो 1:45 तो स्नान करने के लिए निकल जाते। नियम निष्ठा, जप का, पाठ का, श्री जी की सेवा का, ये सब नियम, खान पान ये सब नियम के, हमारा नियम है हम इतना पाएंगे बस, हमारा नियम है हम ये नहीं पाते हैं, हमारा नियम है हम इतना सोते हैं, इतना जगते हैं। इस वजह साधक का नियम, नियम निष्ठा और प्रतिज्ञा पालन, इसमें चूक नहीं होनी चाहिए, इसमें चूक हो जाती है इसलिए सुकृत नष्ट हो जाते हैं। जैसे कहा गया आज के बाद हम ये नहीं करेंगे, कुछ न कुछ साक्षी किया जाता है, मैं गुरुदेव को साक्षी, मैं आराध्य देव को साक्षी, या मैं इस समय को साक्षी करके कहता हूं, या देवता साक्षी हैं, जैसे भीष्म जी ने कहा समस्त दिशाएं और लोकपाल समस्त देवता साक्षी हैं, मैं आज नियम लेता हूं आजीवन अखंड ब्रह्मचारी रहूंगा। ऐसे कुछ प्रतिज्ञाएं होती हैं जिनको कसम कहते हैं। ये आजकल के लोग सुबह कसम खाए शाम के तोड़ दिए, या मंगल को खाए बृहस्पति को तोड़ दिए, इनकी बड़ी दुर्दशा है, सुकृत नष्ट हो जाते हैं, अपने लोगों से बड़ी गलती हो जाती। सहसा कोई प्रतिज्ञा करो मत। हम प्रयास कर रहे हैं छोड़ देंगे, हम प्रयास करते हैं ऐसा नहीं करेंगे, हम प्रयास करते हैं ऐसा। प्रतिज्ञा अगर ले लो तो ये ध्यान रखो कि आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे यदि प्रतिज्ञा आपने तोड़ दी। कसम प्रतिज्ञा ये सब एक ही बात कही जाती है। तरण छू के शपथ पूर्वक मैं कहता हूं कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं, या सामने किसी भगवान मंदिर में आज के बाद मैं ऐसा, या गुरुदेव अब तो देर नहीं लगता कसम खा लेते हैं, तोड़ लेते हैं। हमारी प्रार्थना है मत खाना कभी कसम, कसम नहीं खानी चाहिए, प्रार्थना है। आपसे कोई कहता कसम खाइए छोड़ दीजिए, नहीं कसम नहीं खाऊंगा पर प्रयास करूंगा आज के बाद बिल्कुल नहीं ऐसा हो, पूरा प्रयास करूंगा, प्रयास सफल होगा फिर हम आपसे कसम खा लेंगे, अभी हमें कुछ महीने के लिए छूट दीजिए, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा पर कसम नहीं खाऊंगा, प्रयास कर रहा हूं। कसम ऐसे मत खाओ, प्रतिज्ञा ऐसे मत लो। यदि प्रतिज्ञा ले ली तो चाहे प्राण निकल जाए अब नहीं, ये ध्यान कर लीजिए। अगर 3 बातें साधक में हैं
तो परिपक्व अवस्था आने में देर नहीं लगेगी, आठों लक्षण आ जाएंगे। पहला, व्यवहार पवित्र शुद्ध। दूसरा, जितने नियम लिए हैं निष्ठापूर्वक निर्वाह। तीसरा, प्रतिज्ञा करिए मत, तो कर ली प्रतिज्ञा तो जीवन चाहे नष्ट हो जाए प्रतिज्ञा नहीं टूटेगी। जैसे ये प्रतिज्ञा ही है वैराग्य भेष, इसमें कसम खाई नहीं जाती, स्वाभाविक कसम है। अब देख लो इसके निर्वाह का क्या जीवन होता है। ये हर समय हमको याद दिलाता रहता है कि तुम बैरागी हो, विषयी नहीं हो, तुम महात्मा हो, साधारण जीवात्मा नहीं हो, तुम भगवत मार्ग के पथिक हो, तुम सांसारिक मार्ग के नहीं हो। अब बस इस एक प्रतिज्ञा का पालन कर लो, भगवान मिल जाएंगे। ये हर समय उपदेश देता रहता है। जब भगवावस्था धारण कराया गया था तो यही कहा गया था, जब संन्यास वेश ध्यान रखना, एक काषाय वस्त्र की मर्यादा को रखना, ये वेश है, ये पवित्र वेश है, ये त्रिभुवन पावन करने वाला वेश है, इसको समझते रहना। ये हर समय तुम्हें जागृत रखेगा कि तुम किस मार्ग के पथिक हो। तो आज के सत्संग का जो सार सूत्र, संत महापुरुषों का आश्रय, उनका शासन स्वीकार करना, सांसारिक पुरुषों से मित्रता न करना, ना सांसारिक चर्चा संगोष्ठी करना, किसी जो हमारी निंदा कर रहा है किसी भी तरह से उसको कष्ट देने की भावना ना बनना, अपनी वाणी से कभी किसी की निंदा न करना, छोटे से बच्चे को भी मान देने का स्वभाव रखना, किसी से सम्मान प्राप्ति की इच्छा न रखना, सदाचार सरलता के साथ तुम्हारा संयम जितेंद्रियता पूर्वक समय व्यतीत होना चाहिए। प्रतिष्ठा किसी भी तरह की पद उपाधि साधक जीवन में स्वीकार न करे। आखिर निरंतर अपने लक्ष्य का चिंतन करे, इसकी पूर्ति के लिए व्यवहार शुद्धि, नियम निष्ठा और प्रतिज्ञा पालन जीवन भर तीनों। अगर ये तीनों कहीं भी फिसल रहे तो तुम पतित हो चुके हो। तभी पतित हुआ पुरुष कभी प्रतिज्ञा का पालन नहीं कर पाता, पतित हुआ पुरुष कभी नियम निष्ठा में नहीं चल सकता, पक्की दिनचर्या नहीं हो सकती, उसकी व्यवहार शुद्धि कैसे कही जाए जब पतित हो गए। देखो, और पतित को भी पावन करने का रास्ता है भगवान की शरण। अब भी आपके पास चांस है, आप अपने को भगवत प्राप्त महापुरुष बना सकते हैं, आप अपना जीवन परम कल्याण कर सकते हैं, आप जीवन मुक्त हो सकते हैं। इसलिए सच्चे अच्छे पवित्र आचरण करो और नाम जप करो, प्रभु सब संभाल लेंगे, सब भूल मिटानेंगे, सब पाप आचरण नष्ट करने की सामर्थ्य हमारे प्रभु में। अभी तक जो हुआ वो हुआ, अब हम अपने को इस गुलामी से मुक्त करें। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये हमारे को बार बार जलन अशांति क्लेश दे रहे, अब हरि शरणम परमानंद का मार्ग हम स्वीकार करें।